सब्सक्राइब कीजिए सीओ व्यूअर चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को फॉर गेटिंग एवरी लेटेस्ट अपडेट। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस सीओपी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुपनील और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन महाराष्ट्र। तो जिस कॉलेज की भी कम फी है उसी कॉलेज को हम डिस्कस करने वाले हैं। लेस फी टॉप कॉलेज इस वीडियो में हम देखने वाले फ्रेंड्स, जिस कॉलेज की और हॉस्टल की फी मिला के 1 लाख से भी कम रह सकती है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकते हैं। और 4 साल के बाद कम से कम आप इनपुट देके मींस कम से कम कॉलेज की फ़ी हॉस्टल फ़ी भर के ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट उन कॉलेज से पा सकते हो। उन्हीं कॉलेज को हम डिस्कस करेंगे जो टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन महाराष्ट्र रहेंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम जो भी डाटा यूज़ करेंगे वो कॉलेज ने रिलीज किया हुआ डाटा होगा, और उसके बाद हमने कॉलेज के स्टूडेंट से भी हेल्प लिए फ्रेंड्स, उनसे भी हमने क्वेश्चन किए थे कॉलेज रिव्यू बनाते वक्त। हर एक कॉलेज का रिव्यू का वीडियो आपको सीओपी वर्ल्ड चैनल के ऊपर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके विजिट करके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको 10-10 मिनट का वीडियो मिलने वाला है फ्रेंड्स, तो वेरी डिटेल में एनालिसिस हमने ऑलरेडी करके रखा है, आप जाके देख सकते हैं। और तीसरा जो फैक्टर हमने कंसिडर किया है फ्रेंड्स वो है इंटरनेट रिसर्च। तो कॉलेज ने रिलीज किया हुआ डाटा, स्टूडेंट की हेल्प, कॉलेज के स्टूडेंट की हेल्प और इंटरनेट रिसर्च, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के मैं आपके सामने इस वीडियो को ला रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है फ्रेंड्स। तो टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन महाराष्ट्र में देखा जाए फ्रेंड्स, तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद, इसका भी नाम उसमें आता है फ्रेंड्स। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद के लिए भी आप ट्रैक कर सकते हो। इसका जनरली पैकेज जो रहता है वो 4-6 लाख, इसके बीच में आपके स्किल के ऊपर और आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आपको क्या क्या पैकेज मिल सकता है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा फ्रेंड्स। तो अगर आप अच्छी स्किल और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हो तो आपको अच्छा वाला पैकेज मिल सकता है। जनरली 4-6 लाख के बीच में पैकेज मिलता है और 1 लाख रुपीज़ से कम में आपका टोटल 1 साल का खर्चा हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अमरावती, इसे भी ट्राई कर सकते हैं। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अमरावती बहुत ही अच्छा आपके लिए ऑप्शन रह सकता है फ्रेंड्स, और इसका भी जो खर्चा है वो 1 लाख से नीचे ही चलता है, और आपको जो पैकेज है वो जनरली 4-6 लाख रुपीज़ तक बीच में मिल सकता है फ्रेंड्स। अच्छी वाली कंपनीज भी विजिट कर सकते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अमरावती, इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद थर्ड वाला कॉलेज देखा जाए तो थर्ड वाला कॉलेज है फ्रेंड्स HGGS नांदेड़। तो HGGS नांदेड़ के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, HGGS नांदेड़ भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रह सकता है। तो आप रीजन के वाइज भी डिसाइड कर सकते हो फ्रेंड्स, मीन्स आप विदर्भ रीजन से हो गए तो आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अमरावती को प्रीफर कीजिए, और अगर आप मराठवाड़ा रीजन से हो गए तो आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद और या फिर HGGS नांदेड़ को प्रीफर कीजिए। बाकी ज़्यादा डिफरेंस इन तीनों कॉलेज में नहीं आने वाला है फ्रेंड्स। जनरली पैकेज जो है वो 4-6 लाख के बीच में है, और कॉलेज की फ़ी, हॉस्टल की फ़ी वो भी कम ही है फ्रेंड्स। ज़्यादा कॉलेज की फ़ी और हॉस्टल की फ़ी इन कॉलेज में आपको चार्ज नहीं की जाती, तो 1 लाख से नीचे ही आपका जनरली खर्चा हो जाएगा फ्रेंड्स। तीन कॉलेज आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं फ्रेंड्स, इन तीनों कॉलेज के लिए देख सकते हैं। इसके बाद भी हम अदर टॉप के भी कॉलेज देखने वाले हैं फ्रेंड्स, टॉप के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन महाराष्ट्र अदर रीजन के कौन कौन से, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहे। लेकिन उससे पहले बता दूँ, जो भी स्टूडेंट MST CET 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स, उनके लिए अन अकेडमी ने लाए फ्री मैराथन क्लासेस। तो ये फ्री मैराथन क्लासेस आप जाके एवरी संडे अटेंड कर सकते हो फ्रेंड्स, तो ये आपको फ्री में मिलने वाले, और MST CET के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, टॉप एजुकेटर से जाके आप पढ़ सकते हैं, फ्री में पढ़ सकते हैं। फ्री में ये मैराथन क्लासेस चल रहे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं और फ्री में अटेंड कर सकते हैं। जनरली ऑनलाइन लेक्चर रहते हैं लेकिन आप ऑफलाइन में भी बाकी डाउनलोड करके भी उसे यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। टॉप एजुकेटर आपको जनरली पढ़ाते हैं, शेड्यूल वे में आपको सब कुछ अन अकेडमी लेके आ रहा है फ्रेंड्स, उसमें आपको क्विजेस भी मिलने वाले हैं, टोटल शेड्यूल वे में सब कुछ चलने वाला है फ्रेंड्स। इनका 6 मंथ का भी प्लान है, उनका 12 मंथ का भी प्लान है, जरूर जाके आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी फ्री के जो क्लासेस है उसको अनलॉक करने के लिए आपको सिर्फ लाइव स्वप्निल इस कोड को यूज़ करना है फ्रेंड्स। जैसे आपने लाइव स्वप्निल इस कोड को यूज़ किया तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री फीचर का फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर आपको आगे जान के इनका सब्सक्रिप्शन भी लेना होगा तो भी आप लाइव स्वप्निल इस कोड को यूज़ करके 10% तक डिस्काउंट पा सकते हैं फ्रेंड्स। इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हो गए या फिर फैमिली मेम्बर हो गए या फिर ब्रदर सिस्टर होंगे जो MST CET 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। टोटल इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लाइव स्वप्निल इस कोड का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। तो हमने ऑलरेडी 3 कॉलेज देखे फ्रेंड्स, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अमरावती, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद, HGGS नांदेड़। तो आप विदर्भा रीजन से हो तो अमरावती को प्रीफर कीजिए अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो, उसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद और HGGS नांदेड़ मराठवाड़ा रीजन से हो तो आप कर सकते हो।
जनरली इनका जो कट ऑफ है फ्रेंड्स वो ज़्यादा जाता है, अगर आपके 94 से भी ज़्यादा परसेंटाइल है तब आपको अच्छी वाली ब्रांच इस कॉलेज को मिल सकती है फ्रेंड्स। तो इससे कम हो गए तो आपको गिव अप नहीं करना है, इस कॉलेज को ज़रूर ट्राई करना है। आपके ऑप्शन फॉर्म में आगे रखिए इन कॉलेज को, क्योंकि कम फी में आपको अच्छे से अच्छा आउटपुट इस कॉलेज से मिल सकता है। तो अगर आपके कम भी स्कोर होगा तभी भी आप इस कॉलेज को ट्राई तो भी करके रखिए फ्रेंड्स। तो ट्राई करना आपकी जिम्मेदारी होगी, ट्राई आप करके रखिए। बाकी जनरली 94-95% से ज़्यादा स्कोर लगता है अगर आपको टॉप की ब्रांच चाहिए होगी तो। तो ये तीन कॉलेज है फ्रेंड्स। उसके बाद इसके आगे के जो कॉलेज रहेंगे उनका जो पैकेज है वो बढ़ता है फ्रेंड्स, पैकेज बढ़ने वाला है, एवरेज पैकेज बढ़ने वाला है और साथ ही साथ इनका कट ऑफ भी बढ़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगी, सबको ये कॉलेज जनरली चाहिए। तो अगला जो कॉलेज आता है फ्रेंड्स वो वालचंद सांगली का है। वालचंद सांगली बहुत ही अच्छा और टॉप लेवल का कॉलेज आपके लिए रह सकता है। इस कॉलेज के लिए भी ज़रूर 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 प्रिपेयर कीजिए फ्रेंड्स। टॉप 10 कॉलेज में भी ये कॉलेज आता है, टॉप 10 आपके ऑप्शन फॉर्म में, टॉप 10 में भी इसे आप ऐड करके रख सकते हैं। वालचंद सांगली के लिए भी आप ज़रूर प्रिपेयर करके रख सकते हैं। जनरली मोर देन 6 लाख रुपीज़ तक एवरेज पैकेज इस कॉलेज में भी आपको मिलने वाला है फ्रेंड्स। तो मोर देन 5 लाख टू 6 लाख के एवरेज पैकेज इस कॉलेज के चलने वाले फ्रेंड्स, तो ज़रूर इस कॉलेज को भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो कट ऑफ रहेगा वो हाई जाता है फ्रेंड्स, जनरली 95 से भी ज़्यादा जाता है कट ऑफ इनका। और अगला जो कॉलेज देखा जाए फ्रेंड्स वो है ICT मुंबई। तो ICT मुंबई के लिए भी आप प्रिफर कर सकते हैं। जनरली मैंने ऑलरेडी आपको जितने भी कॉलेज बताए फ्रेंड्स वो ओनली MST CET के स्कोर के ऊपर आपको एडमिशन देते हैं या फिर डायरेक्ट सेकेंड ईयर से एडमिशन देते हैं। दो ही चीज़ें, MST CET, डायरेक्ट सेकेंड ईयर। JEE मेंस का इसमें कोई भी रोल नहीं है, जो ऑलरेडी मैंने जो कॉलेज बताए। और इसमें आपको इंस्टीट्यूशन कोटा, मैनेजमेंट कोटा एक कोच भी नहीं मिलने वाला, सीधा कैप राउंड से आप जा सकते। तो कैप राउंड के जो भी फ्रेश बच्चे रहेंगे उनको ये कॉलेज प्रीफर करता है, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और अगला जो कॉलेज आता है ICT मुंबई, ये आपको JEE मेंस के ऊपर भी मिलेगा फ्रेंड्स और MST CET के स्कोर के ऊपर भी मिलेगा। जरूर जाके ट्राई कर सकते हैं ICT मुंबई को, बहुत ही अच्छा कॉलेज रह सकता है अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच चाहिए तो। सबसे ज़्यादा टॉप लेवल का कॉलेज इंडिया में भी रह सकता है फ्रेंड्स। तो इसी चीज़ को आपको फायदा उठा सकते हैं आप ICT मुंबई, और फी भी कम रहती है इस कॉलेज की ICT मुंबई। सिर्फ कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा जाता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन कट ऑफ ज़्यादा जाता होगा तभी भी आपको इस कॉलेज को ट्राई ज़रूर करते रहना है फ्रेंड्स। ट्राई सभी कॉलेज को आप कीजिए, बाद में जाकर आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि कम कॉलेज के ऊपर आपको अदर स्टूडेंट को मिल गया और आपको मिल सकता था। आप जरूर उस कॉलेज को भी ट्राई करके रखें, ICT मुंबई भी आपको अच्छा वाला ऑप्शन रह सकता है फ्रेंड्स। तो इसके बाद के भी हम कॉलेज डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जितने भी मैं ये कॉलेज आपको बता रहा हूँ या फिर महाराष्ट्र में अदर कौन कौन से कॉलेज आपके मार्क के ऊपर आपको मिल सकते हैं उसकी टोटल लिस्ट आप COPWORD से मंगा सकते हैं फ्रेंड्स। टोटल लिस्ट आप COPWORD से मंगा सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। टॉप एक्सपर्ट से डिज़ाइन की हुई लिस्ट, उसमें हमने कॉलेज के NRF रैंकिंग, कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट कितना है, कॉलेज का हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना है, कॉलेज का कैंपस कैसा है, कॉलेज में इन्वायरमेंट कैसा है, उस सभी चीज़ों को ध्यान में रख के उस लिस्ट को टॉप एक्सपर्ट के हेल्प से बना के लिया है फ्रेंड्स। और महाराष्ट्र के सबसे कम रुपीज़ में आपको सबसे कम फी में वो लिस्ट आपको मिलने वाली है फ्रेंड्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और या फिर कमेंट बॉक्स मिल जाएगी, ज़रूर जाके चेक कर सकते हैं। COPWORD के टीम के साथ ईमेल करके बाद करके टोटल लिस्ट को मंगा सकते हैं फ्रेंड्स। विद इन 24 आवर आपके मार्क के बेसिस के ऊपर आपको वो लिस्ट मिल जाएगी ज़रूर। तो ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए फ्रेंड्स। तो अगला जो कॉलेज आता है, हमने वालचंद सांगली भी देखा फ्रेंड्स, उसके बाद ICT मुंबई भी देखा। तो ICT मुंबई JEE मेंस और MST CET इसके ऊपर आपको एडमिशन देगा, ट्राई कर सकते हैं अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग ये ब्रांच चाहिए तो। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद एक कॉलेज आता है VNIT नागपुर, ये ओनली आपको JEE मेंस के ऊपर एडमिशन देगा फ्रेंड्स। MST CET का कोई भी रोल इसमें नहीं रहना। तो VNIT नागपुर के लिए भी आप प्रीफर कर सकते हैं अगर आपके JEE मेंस के अच्छे परसेंटाइल, तो VNIT नागपुर भी आपके लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज रह सकता है फ्रेंड्स। गवर्नमेंट कॉलेज में आता है और सबसे अच्छा प्लेसमेंट भी आपको इसमें मिलने वाली है और कॉलेज की फ़ी भी कम ही रहेगी अदर प्राइवेट कॉलेज के कंपेयर में। तो अभी हम जैसे जैसे मेट्रो सिटी में जाएंगे फ्रेंड्स, पुणे, मुंबई या फिर नागपुर, तो इसमें कैसा रहता है फ्रेंड्स, हॉस्टल की फ़ी बढ़ जाती है क्योंकि खर्चा ज़्यादा होता है वहाँ पे। और अगर आप कम मेट्रो सिटी मीन्स औरंगाबाद, नांदेड़, अमरावती ऐसे रीजन में आओगे तो उतनी हॉस्टल की फ़ी कम हो जाती है फ्रेंड्स। तो नांदेड़ में आपको कम हॉस्टल में मिल जाएगा, लेकिन पुणे मुंबई में आपको हॉस्टल का थोड़ा खर्चा तो बढ़ने वाला है, लेकिन कम ही खर्चा रहेगा अदर कंपेयर करेंगे अदर प्राइवेट कॉलेज से। तो VNIT नागपुर भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रह सकता है फ्रेंड्स, उसे भी आप जाके ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आता है VJTI मुंबई। तो ये सबको पता है VJTI मुंबई कितना ज़्यादा टॉप लेवल का कॉलेज है, इसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। सबसे ज़्यादा टॉप लेवल में ये चलने वाला है, लेकिन सबसे ज़्यादा टॉप स्कोर भी इसको आपको लगने वाला है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है CUP।
सो सीओपी बहुत ही अच्छा और टॉप लेवल का, सबसे ज़्यादा टॉप लेवल का कॉलेज है फ्रेंड्स। इसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, सिर्फ आपका स्कोर ज़्यादा रहना चाहिए। मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सीओपी से पास आउट हूँ फ्रेंड्स 2020 बैच से, तो आप ज़रूर सीओपी को भी ट्राई कर सकते, सीओपी को भी ऑप्शन फॉर्म में आप रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो सीओपी के ऑल ब्रांचेस देखा जाए फ्रेंड्स, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दूँ तो ऑल ब्रांचेस बहुत ही अच्छी और टॉप लेवल की आपके लिए रह सकती है फ्रेंड्स। तो सीओपी की भी आप प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन आपको जो कट ऑफ है वो सीओपी का वो जनरली 99% से ज़्यादा जाता है फ्रेंड्स। अगर आपको मैं मेरा एक्सपीरियंस बता दूँ तो मैंने 2016 में MSTCET की एग्ज़ाम दी थी फ्रेंड्स, तो हमारे टाइम में परसेंटाइल ऐसा कुछ नहीं था, जिसके भी 180 के ऊपर स्कोर आ जाता था उसे आराम से सीओपी मिल जाता था फ्रेंड्स। तो सीओपी के लिए हम जनरली प्रिडिक्ट कर सकते थे कि 180 के ऊपर आपको वो कॉलेज मिल सकता था, अगर आपके 180 के ऊपर आ गए तो आपको सीओपी मिल गया, ऐसा रहता था। लेकिन अभी कैसा है, अभी परसेंटाइल का स्कोर है फ्रेंड्स टोटल, तो 99% से आपको जनरली ज़्यादा लगते हैं सीओपी के लिए, आप प्रीफर कर सकते। तो देखा जाए आप तो सीओपी के ऑल ब्रांचेस के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ब्रांच सिलेक्शन का क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, तो ब्रांच आपको आपका फाइनल गोल क्या है उसी हिसाब से आप सिलेक्ट कीजिए, मींस आपको इंजीनियरिंग के बाद क्या करना है उसी हिसाब से आप फाइनल गोल को डिसाइड करके कीजिए फ्रेंड्स। क्योंकि मैं मेरा एग्जाम्पल दूँ फ्रेंड्स, तो मैंने मेरे वक्त कैप राउंड में फर्स्ट ऑप्शन सीओपी की मैकेनिकल इंजीनियरिंग डाली थी और वो मुझे फर्स्ट राउंड में मिल गई थी फ्रेंड्स, तो फ्रीज भी मेरा हो गया था। तो फर्स्ट राउंड में मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिली और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डाली थी फ्रेंड्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन करते हैं कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग को क्यों ज़्यादा प्रीफर किया, क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी मिल सकती थी फ्रेंड्स। तो सब कुछ आपके इंटरेस्ट के ऊपर है फ्रेंड्स, आपको आगे जाके क्या करना है, आपको किस ब्रांच में इंटरेस्ट है उसी हिसाब से आप ब्रांच को सिलेक्ट कीजिए। आपका फाइनल गोल क्या है, मीन्स आपको इंजीनियरिंग के बाद प्राइवेट में जॉब करना है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना है या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट में जॉब करना है, उसी हिसाब से आप प्रेफर कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं फ्रेंड्स, तो आपको प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलते और सैलरी भी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कम ऑप्शन मिलते। लेकिन अगर आप कोर ब्रांचेस की तरफ जाते हो, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, तो आपको प्राइवेट में भी ऑप्शन मिलेंगे फ्रेंड्स, गवर्नमेंट भी ऑप्शन मिल सकते, तो उसी हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। अभी मैं मेरा एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता दूँ, तो जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेनी है, क्योंकि मुझे यार पहले से इसरो, DRDO या फिर UPSC इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उसी हिसाब से मैंने ब्रांच सिलेक्ट की थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन आपको मिलते हैं, आप गवर्नमेंट में भी जॉब कर सकते हैं या फिर प्राइवेट में भी जॉब कर सकते हैं। उसके बाद सीओपी में जाके आपको कैसे मिलता है फ्रेंड्स, एक तो दो ही टाइप के इन्वायरमेंट जनरली सीओपी कॉलेज में आपको मिलते हैं, एक तो आप जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं वो प्राइवेट कंपनीज को प्रेफर करते हैं, मीन्स अच्छा सा अच्छा प्लेसमेंट लेते हैं। उसके बाद जो अदर स्टूडेंट रहते हैं वो UPSC, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, MPSC, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, SSC CGL के थ्रू आप CBI के ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस तरफ भी जाते हैं फ्रेंड्स, मीन्स क्लास वन के जो पोस्ट रहते हैं गवर्नमेंट के, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने भी उसी टाइम डिस्कस किया था फ्रेंड्स, डिसाइड कर लिया था कि मुझे भी आगे जाके जो करना है वो गवर्नमेंट जॉब में ही करना है, और इसीलिए मैं अभी UPSC के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आप भी आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 4 ईयर के बाद क्या करना है, मीन्स आपको UPSC के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है या फिर MPSC के लिए करना है या फिर MTech करना है या फिर आगे जाके MS करना है या फिर कोई भी आपको स्टडी करनी अच्छी नहीं लगती तो आप सीधा जाके जॉब भी ले सकते हो। तो इसी हिसाब से आप ब्रांच सिलेक्ट करके रखें और एक फाइनल गोल अभी से तय करके रखें, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा आगे जो प्रोसेस रहेगी वो बहुत ज़्यादा सिंपल वे में रहती, पर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको उसके बाद क्या करना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी स्टेप सब कुछ पता चल गए होंगे फ्रेंड्स। तो बाकी इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं ठोका होगा तो लाइक ठोक दीजिए यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखे। और अनअकैडमी की जो मैराथन क्लासेस है फ्री MSTCET की 2021 स्टूडेंट के लिए एवरी संडे, वो आप आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प होनी चाहिए। लाइव स्वप्निल स्कोर का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए, 10% तक डिस्काउंट मिल सकता है और फ्री के भी क्लास आप अनलॉक कर सकते हैं। और जो सीओपी वर्ड की जो टोटल लिस्ट है आप उसे मंगा करके जो कैप राउंड के जो हार्ड प्रोसेस है उसे सिंपल वे में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। सीओपी वर्ड के टीम के साथ आप जरूर ईमेल करके बात कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो जरूर ईमेल कीजिए और कैप राउंड की जो हार्ड प्रोसेस है उसे सिंपल वे में कन्वर्ट कर दीजिए फ्रेंड। सो थैंक यू वेरी मच।